IBA grads, gateway to your desired future. दिस साल दो हजार बाईस अब हमारे साथ मौजूद है और इस साल अगर हम प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो एक शेड्यूल को सामने रखते हुए चीज़ों में फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि इस साल की चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ होंगी प्री मेडिकल के लिए मैं एक वीडियो मैंने बनाई और उनके साथ मैंने सारी चीज़ें शेयर कि इसी तरह Uh, अब मैंने महसूस किया कि प्री इंजीनियरिंग के लिए भी ये वीडियो होनी चाहिए और उनका जो इस साल की प्लानिंग में uh, ट्रैक है वो क्या होगा उस पर बात करनी चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे वैसे व्हाट्सएप के ऊपर uh, मालूम ले रहे थे तो मैंने कहा कि वीडियो के थ्रू कर ले तो ज़्यादा बेहतर है सबको uh, सबके साथ ये बातें शेयर हो जाएंगी देखिए हमारे यहाँ जो दो कैटेगरीज हैं ना इंटर और ए लेवल्स मेजोरिटी स्टूडेंट जो हैं वो या तो इंटर कर रहे हैं या फिर ए लेवल्स कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में और ए टू में जो इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं उन तमाम के लिए ये वीडियो बहुत अहम है कि अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर उनको एक प्लान के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा अगर वो ये सोचते हैं कि हम इंटर और ए करते हैं और उसके बाद यूएस टी में अप्लाई करेंगे और यूर्स टी में एडमिशन हो जाएगा तो बेटा ऐसा नहीं होता आपको टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज को सामने रखना होता है और उन क्राइटेरियाज़ को सामने रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी होगी फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में जो रेजिडेंट है कराची का जो स्टूडेंट है वो उसके सामने सबसे पहला नाम एन आता है और फिर दूसरा नाम उसके लिए नष्ट आता है तो इंटर का ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है कि वो एन यूनिवर्सिटी में जाए और अक्सर स्टूडेंट जो एलेवस वाले हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं वो एन में उनका सीट्स भी लिमिटेशन है और उनका ख़ुद का इंटरेस्ट भी एन में जाने का कम होता है तो वो नस्ट जी आई के आई फास्ट प्यास इस तरह के इदारों में जाने एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं तो एलेवस के तमाम स्टूडेंट्स और इंटर के तमाम स्टूडेंट इस वक्त आप लोगों का एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है ये आपको मालूम हो चुका है कि पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब ख़त्म होंगे अगर हम ए लेवल्स की बात करें तो ए लेवल्स के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फोर्थ मई से और ख़त्म होंगे फोर्थ और फिफ्थ जून तक ऑलमोस्ट अगर कोई एक्स्ट्रा पेपर भी दे रहा है तो भी वो सिक्स फोर्थ और फिफ्थ जून तक कम्प्लीट हो जाएगा बहुत सारे बच्चे ट्वेंटी सिक्स मे को भी अपना ये सेशन कम्प्लीट कर रहे हैं पेपर्स उनके ख़त्म हो जाएंगे ट्वेंटी सिक्स मे को लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा पेपर भी देंगे तो वो फिर सिक्स जून तक जा रहा है अच्छा बाकी रह गई इंटर वालों की बात तो इंटर के पेपर स्टार्ट ही एटीन जून को हो रहे हैं तो वो खत्म होंगे पांच जुलाई को फिफ्थ तो जुलाई तो अब ये शेड्यूल सामने रखते हुए यूनिवर्सिटी यु, के टेस्ट डेट्स को सामने रख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट हैं उनकी डेट्स क्या है सबसे पहले बात आयात की नस्ट की नस्ट का एक टेस्ट है जो कि मार्च में होगा एक टेस्ट हो चुका है दिसंबर में उसमें हमारे पास से कुछ बच्चे अपेयर हुए और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर आए वो इसके बाद अब टेस्ट होगा मार्च में और मार्च के बाद फिर टेस्ट होगा जुलाई में तो ये दो टेस्ट आपके पास है तो कुछ लोग जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मार्च के लिए अपेयर हो सकते हैं लेकिन जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो वो अब मार्च में प्रिपरेशन करके अपेयर नहीं हो सकते प्रैक्टिस के तौर पे अपेयर होना चाहें तो बिल्कुल हो सकते हैं देन उसके बाद आपके पास नेक थ्री एन ई टी थ्री नस्ट का टेस्ट थ्री जो होगा वो कब होगा तो वो होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में फास्ट कब होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में जी आई के कब होगा जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में इसी तरीके से अगर आप प्यास का टेस्ट देख लें तो वो भी या तो जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में तो अगर मैं बात करूं कि भाई आपके जो यूनिवर्सिटी के वो जो चार नाम मैंने सामने आपके रखे हैं नस्ट जी आई के आई फास्ट और प्यास इनके टेस्ट 15 जुलाई तक कंप्लीट हो रहा है 15 जुलाई तक ये टेस्ट हो जाएंगे अब इंटर का स्टूडेंट जो फिफ्थ जुलाई को फ्री हो रहा है और का जो फिफ्थ जून को फ्री हो रहा है तो इन दोनों के पास टाइम कितना है इंटर वाले के पास तो कोई टाइम ही नहीं है दैट्स इट खत्म होगी कहानी कि एग्जाम के बाद आप टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एनईडी को छोड़कर कहीं पर भी टेस्ट की तैयारी करके अपेयर नहीं हो सकते कि आप नहीं सोच सकते कि मैं एग्जाम के बाद तैयारी कर लूंगा और फिर अपेयर हो जाऊंगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ख़त्म हो गया इंटर वाले एनअर्स वाले के पास 30 डेज और 35 डेज का ड्यूरेशन कुछ मिलेगा बट क्या 30 और 35 डेज में फेडरल बोर्ड कंप्लीटली कोई स्टूडेंट तैयार कर सकता है कोर्स पढ़ना और फिर उसको उसकी प्रिपरेशन भी करना क्या ये दोनों काम 30-35 डेज में हो सकते हैं हमारी आप एडवाइस लें हमारी सजेशन लें तो बड़ा सा नो आ जाएगा अ बिग नो कि ये हो ही नहीं सकता ये पॉसिबल ही नहीं है तो बेटा जब ये पॉसिबल नहीं है तो सर फिर पॉसिबल रास्ता क्या है तो वो हम आपसे शेयर करने के लिए इस वीडियो में यहां पर मौजूद हैं। तो वो पॉसिबल रास्ता अब भी अब भी अगर आप चाहें तो वो ये बनता है कि आप अपने इंटर और ए लवस के साथ थ्री मंथ जो अभी आपके एग्जाम से पहले आपके पास मौजूद हैं जनवरी हाफ मंथ रह गया फेवर कंप्लीट मार्च कंप्लीट एंड अप्रैल हाफ तो ये सारा कुछ मतलब कर करा के ना आपको थ्री मंथ बिफोर एग्ज़ाम मिल रहा है और ए लेवल्स के पास एक महीना आफ्टर एग्ज़ाम भी मिल जाएगा तो चार महीने ए लेवल्स के पास बचे लेकिन इंटर के लिए तो इंटर वाले स्टूडेंट्स के पास तो थ्री मंथ ही है अगर वो नस्ट प्यास फास्ट और जी आई के आई जाना चाहता है इसके अलावा उसके पास टाइम नहीं है इस थ्री मंथ में उसने कोर्स करना है इस थ्री मंथ में ही तैयारी करनी है और ए लेवल्स के पास एक महीना ज़्यादा फोर मंथ है उसके पास थ्री मंथ में वो क्या करे अपनी अपना कोर्स करे और एक महीने में वो क्या कर सकता है उसकी प्रिपरेशन कर सकता है तो अगर आपको इन टॉप नॉर्थ यूनिवर्सिटीज में जाना है तो फिर आपको इंटर और लेवल्स के साथ पैरल चलना होगा जब आप पैरल चलेंगे तो ही ये पॉसिबल है इसके अलावा ये पॉसिबल नजर नहीं आता तो बिल्कुल क्लियर है इसमें आप अपने जो है वो अपना शेड्यूल बनाना शुरू कर दें हमारे यहाँ यहाँ पर तकरीबन नष्ट के लिए जो है वो आखिरी आखिरी बैजेस चल रहे हैं कोशिश करें कि ये इन्हीं बैजेस के साथ आप चलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले सीखने का और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले सीख कर प्रैक्टिस करने का अब बात आ जाती है आखिर में मैं बात कर लेता हूँ एन की वो तमाम स्टूडेंट्स जो कराची हाइट है और वो इंटर कर रहे हैं इस वक्त वो इंटरेस्ट रखते हैं कि वो एन जाकर अपनी इंजीनियरिंग करें तो बेटा उन तमाम लोगों के लिए अगर उनको किसी ने पिछले दो साल के यह सनरियो बताया हो कि पिछले दो साल के अंदर एन ने अपना मेरिट क्राइटेरिया चेंज किया और लास्ट ईयर 50 परसेंट टेस्ट और 50 परसेंट इंटर मेरिट कैलकुलेशन में रखा गया तो अब ये बात ख़त्म हो गई कि आप एक अच्छा इंटर कर लें तो एन में सीट आपके पास रखी हुई है ऐसा नहीं है आप इंटर भी अच्छा करें और इंटर के साथ फिर उनका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको बहुत सारे लोग बहुत आसान समझते हैं कि वो तो आप बस ऐसे ही चले जाएँ तो आपका टेस्ट हो जाएगा तो उसका अगर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आप देख लेना लास्ट ईयर की या लास्ट से लास्ट ईयर की इतना ख़राब रिजल्ट था कि बच्चे पास नहीं हुए पासिंग क्राइटेरिया अभी भी वही है सौ में से पचास मार्क्स लेने जिस पर एडमिशन नहीं होता एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है लेकिन पास होने के लिए फिफ्टी मार्क्स आपको लेने होंगे आउट ऑफ हंड्रेड तो अगर आप चाहते हैं कि भाई एन में आपका एडमिशन हो जाए तो उसके लिए अब आपको जितनी मेहनत आपने सेकेंड ईयर पर कर ली है उतनी ही मेहनत आपको एप्टीट्यूड पे भी करनी पड़ेगी तब जाके ये दोनों चीज़ें आपका एग्रीगेट 80 प्लस करेंगे और आपका आपके डिज़ायर आपके इंटरेस्ट फील्ड में एडमिशन पॉसिबल होगा तो अगर इन तमाम बातों को सामने रखें तो बड़ी मुश्किल लगती है लेकिन ये मुश्किल आसान जो है वो हो सकती है कि आप इसबाब अख्तियार करें और आप दुआ करें अल्लाह ताला आसानी करें तो ये साल आपका जो है वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि इस साल जो है आपको एक एक कैरियर को एक रास्ता मिल जाएगा एक ट्रैक मिल जाएगा कि इसके ऊपर इसके ऊपर स्टार्ट लेकर फिर आप अपने कैरियर को कंप्लीट कर सकते हैं मुकम्मल कर सकते हैं तो इसमें बिल्कुल भी सुस्ती ना हो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना हो तो जितनी भी एडवाइस आपको दी गई है उसको बागौर आप एक दफ़ा नहीं तो दो दफ़ा सुन लीजिएगा लेकिन इसको लाजमी कोशिश करें कि इस ट्रैक पर चल चलें ताकि आपका ये सफ़र आसान हो जाए दुआ है कि ये साल आपका कामयाब कामयाबी वाला साल हो जजाकला खैर वालेकुम